लखनऊ में अवैध शराब के खिलाफ 10 अक्टूबर तक अभियान, आबकारी विभाग पुलिस विभाग का संयुक्त अभियान, सीएम ने दिए अवैध शराब बिक्री को रोकने के निर्देश। लोहिया संस्थान में ऑनलाइन जमा होगा जांच शुल्क, मरीज के पंजीकरण नंबर की सहायता से जमा होगा शुल्क, पंजीकरण नंबर की सहायता से जमा किया जा सकेगा शुल्क। लोहिया संस्थान प्रशासन ने बैंक के साथ किया MOU, अगले 10 दिन में शुरू होगी व्यवस्था। मुलायम सिंह यादव दिल्ली के मेदांता में भर्ती, यादव परिवार के सूत्रों के हवाले से खबर बता दें कि मुलायम सिंह यादव की स्थिति नाजुक है, छाती में निमोनिया होने की आशंका में ज्यादा कंजेशन से स्थिति नाजुक। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े, 24 घंटे में कोरोना के 2,991 नए केस मिले, 24 घंटे में कोरोना से 8 मरीजों की हुई मौत। भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने का मामला, 3 बच्चे और 2 महिलाओं की हुई मौत, पंडाल में आग लगने से 64 लोग झुलसे हैं, कुल 66 लोग आग से झुलसे हैं।